नाज़िम जोखियो के कतल केस में गिरफ्तार एमपीए जाम अवेश गोराम संदस बिन गार्डन के टिन डीन के रिमांड बाद मलीर कोर्ट में पेश किया। एमपीए जाम गोराम के अदालत के पोए गेट का अंदर आंदो हो। जाम गोराम के बिना हथकड़ी अदालत आने से वकीलन पारा एहतजाज किया वो, जै बाद एसएचओ मेमण गोठ खेस हथकड़ी लगाई। वकीलन चयो तो वारसन के बयान से पीपीएमए ने जाम अब्दुल करीम अरब शिकारियों के केस में नामजद किया वही। मकतूल के भाव संदस वकील अदालत के कतल में मुलवस वधिक जवाबदार एमएनए जाम अब्दुल करीम और अरब शहजादन जा नाला भी शामिल किया वे। केस के फरियादी मकतूल नाज़िम जोखे के भाव अफजल जोखे मकतूल जा कपड़ा मोबाइल फोन और कुछ बो सामान भी जवाबदार वट है वो पिण वसूल किया वे। केस में दहशतगर्दी जा कलम शामिल किया वे। रियाज भट्टी साहब इन पूरी जी टीम लख लख शुक्रगुजार लख लख थोरा तो इनो मूसा जी हेल्प कई है मुख्य खबर अलग खबर है मुझे भा के जो जाति थी बरबरती से कत्ल किया वो उनमें इन मुझी मदद कई है पूरी सिंध जहाँ मुझे भार मुझी पूरी फैमिली मुझी जी इलाके मौजूदन मूसा गड बिठा इनशाला बिल्कुल आज विकला बिरादरी जो आप सामने खड़ी है वो मेरे साथ खड़ी है। इनका मैं बेहद इंतहा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया है भाई का और तीन दिन का रिमांड दिया गया है। इनशाला अभी तो आगे मैं कंटिन्यू इसको रखूँगा अदालत धुरन जो मौको बुधन बाद एमपी जाम अवेश गोहराम हैदर अली और अमीर अली के टिन डीन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस सवाल कर रिमांड का पोए एमपीए सरदार जाम अवेश गोहराम संदस बिन गार्ड जवाबदार के सख्त पेरे हेठ वापस नियो वो। अदालत में रिमांड मिलने बाद पुलिस सख्त सिक्योरिटी में जवाबदार के वी वही। सुप्रीम कोर्ट बार हाई कोर्ट बार सिंध बार मलीर बार के वकीलन मकतूल नाज़िम जोखे जो कतल केस बिना फी के विहण जो ऐलान कंदे वकालतनामा जमा कराया। वकील अशरफ समूह मोहम्मद खान शेख अयाज चांडे बिन फरियादी अफजल जोखियो से हमदर्दी तौर साथ देने की खातरी कराई। बुधनी बाद मीडिया से गलंदे मकतूल के भाव अफजल जोखे जो चवण हो तो इंसाफ लाए जदोजहद जारी रखो धमकियों की खेस का भी परवाह ना है। उन तो वकील समेत सियासी समाजी अगवान सिंध वासन जा थोरायता जी दुखे वक्त में उन्होंने गड।